तो रिड्यूस करने पे NO2 का क्या बन जाएगा, NH2, ठीक है, तो एनिलीन बन जाएगा, जो एनिलीन क्या बेंजाइन, बी विल बी CH2NH2, ठीक है। और ये रिएक्शन किस, कौन सी इस रिएक्शन का नाम याद है? दिस इज ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो वही ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है, तो इसमें यहाँ पे बेंजामाइड है, नहीं, बेंजामाइड नहीं है, दिस विल बी टू फेनाइन इथेनामाइड, और ये क्या होगा जिससे NH2NC बन जाए, ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन, तो CH3Cl3 प्लस KOH प्लस H2 होता है ना, तो दिस विल गिव कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ये समझ आया? किसी भी डाउट तो नहीं? ABCD? हाँ बोलो, नो सर, तुम्हारी आवाज बहुत धीरे आ रही है, मुझे तुम्हारे में समझ नहीं आ रहा, एक बार दोबारा, दैट क्लियर है? यस सर, अच्छा, ऑलराइट देन, नेक्स्ट is distinguished between benzylamine and benzylamine. तो aniline और benzylamine में distinguish करने के लिए what we can use is aniline will give coupling reaction with benzene diazonium chloride. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ इट विल गिव अस कपलिंग रिएक्शन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। तो दिस विल बी येलो कलर टाइप, ठीक है, दिस इज वन टेस्ट। और दूसरा टेस्ट, तो और कौन सा टेस्ट यूज कर सकते हैं? कार्बाइलामीन टेस्ट, यस, दोनों नहीं, कार्बाइलामीन दोनों नहीं, कार्बाइलामीन विल बी गिवन बाय बोथ ऑफ देम, ठीक है, तो यही टेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट, मिथाइलामीन एंड डायमिथाइलामीन, तो सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट इज मिथाइलामीन एंड डायमिथाइलामीन, तो मिथाइलामीन है हमारा CH3NH2 और डायमिथाइलामीन विल बी CH3OH3NH, तो इन दोनों में से ये प्राइमरी अमीन है, तो ये लेगा हमारा कार्बाइल अमीन रिएक्शन CH3NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH giving us CH3NC plus KCl plus H2. तो इसमें जो कार्बाइल अमीन होगी, गैस, दैट विल बी फोर्थ स्पेलिंग। दूसरा टेस्ट व्हाट यू कैन यूज इज, यू कैन आल्सो यूज हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है, यू कैन आल्सो यूज हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट इफ यू वांट टू गिव दैट टेस्ट, तो व्हिच, ठीक है, क्लियर? यस नेक्स्ट, कंप्लीटली बोलेंगे रिएक्शन। नाइट्राइल को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो क्या बनता है? अमीन। और अमीन को अगर नाइट्राइल
नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है अल्कोहल, अगर वो एलिफैटिक हो। ठीक है, रिएक्शन क्लियर है? Yes. नेक्स्ट।